तो फ्रेंड्स, अब हम निकल रहे हैं यहाँ अमृतसर से और आगे हमारी फ़्लाइट कंटिन्यू हो रही है श्रीनगर के लिए। और चाहे कुछ भी कर लो पर ये बच्चा नहीं मानेगा। आपसे निवेदन है कि द्वार। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुँच ही गए श्रीनगर। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम उस होटल में आ गए जहाँ की हमारा स्टे था। सब थके थे सिर्फ एक को छोड़कर। मैं आपको यहाँ का रूम दिखाती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल रूम है, बहुत बढ़िया। इतू नो 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 बहुत ही स्पेशियस। और यहाँ का लुक देखिए, एक एक्स्ट्रा बेडिंग दे रखी है। फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ सीधे इस रूम के विंडो से आप क्या देख सकते हैं, माउंटेन्स, पहाड़ है यहाँ पे। कितना अच्छा है ना, सो सो ब्यूटीफुल। ये पूरे घने जंगल, जहां तक देखो वहां तक स्ट्रीम वाइल्डनेस। वाओ, नेचर इज ऑलवेज सो ब्यूटीफुल। इति क्या खा रहे हैं बेटा, स्पून निकालिए मुंह से। बहुत थक चुके हैं और हम रूम में आके हमने सीधे चेंज किया और हम लेट गए। हम थोड़ा रेस्ट करके अब श्रीनगर घूमने जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं प्रशांत जी? हम लोग म्यूजियम। दोस्तों रास्ते भर बहुत ही ब्यूटीफुल साइट सीन था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आ गए फ्रेंड्स हम बोटैनिकल गार्डन। आगे हम जा रहे हैं मुगल गार्डन, बोटैनिकल गार्डन। आई होप आप लोग को बहुत ही खूबसूरत लगा होगा, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा। अब हम चलते हैं इसके आगे मुगल गार्डन। फ्रेंड्स ये है निशात मुगल गार्डन। यहाँ के पहाड़ देखिए, अपने आप में कोई वेकेशन प्लेस लगता है ये गार्डन। क्यों प्रशांत जी, ये जगह अपने आप में एक वेकेशन प्लेस नहीं लगती है? इतनी खूबसूरत गार्डन भी इतने ब्यूटीफुल हो सकते हैं क्या? दिस इज मुगल गार्डन, क्योंकि ये कश्मीर है शायद, इसलिए गुलाब गुलाब। शायद इसीलिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं, इतना ब्यूटीफुल है। चाहे बोटानिकल गार्डन चले जाइए, चाहे मुगल गार्डन चले जाइए, सब कुछ बहुत ही अलग है। बोटानिकल गार्डन तो हर सिटी में है, हर स्टेट में, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल। एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ इस निशात गार्डन में मुझे दिखी है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा जूम करके। ये देखिए ये ट्री है, कौन सा ट्री ये तो पता नहीं, लेकिन इसके फ्लावर्स देखिए बिल्कुल रोज शेप में है और वाइट कलर के, कितने ब्यूटीफुल। देखिए ऐसा लग रहा है रोज़ हैं। पीछे आप बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा था, मुझे लगा मैं आपको दिखाऊं। पीछे है डेल लेक, ये देखिए। हम लोग हैं मुगल गार्डन। तो दोस्तों मुगल गार्डन घूमने के बाद अपने होटल वापस गए, पापा मम्मी को पिक किया
और शॉपिंग के लिए पास ही के मार्केट में गए। दोस्तों आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।